मेरा नाम है शिवम मिश्रा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अनादि काल से ही जिज्ञासु रहा है। वह पृथ्वी हो या अंतरिक्ष, कहीं पर भी हो रही घटनाओं को बड़े जिज्ञासु रूप से देखता है और उसके बारे में जानना चाहता है। मित्रों, इसी प्रकार से मैं भी बड़ा ही जिज्ञासु बचपन से रहा हूँ तथा हर घटना को बारीकी से जानना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्लैक होल पर, कि ब्लैक होल क्या है, यह किस प्रकार से काम करते हैं एवं इनके बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो ब्लैक होल होते हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में उपस्थित तारों से होती है। इसके बारे में भारत के नोबलिस्ट वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होता है, तब वह तारा जब अपना ईंधन पूरी तरह से ख़त्म कर लेता है, अर्थात अपनी हाइड्रोजन को हीलियम में पूरी तरह से बदल देता है, इसके बाद वह एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है और सुपरनोवा विस्फोट के साथ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। यह तो हो गई विज्ञान की थ्योरी। अब इसे हम समझते हैं अपनी आसान भाषा में। जब किसी तारे का ईंधन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तब वह अपनी यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, अर्थात गोल रहने के लिए सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। एक समय वह आता है जब वह इतना छोटा हो जाता है कि तारे के द्रव्यमान से ज़्यादा उसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, तो वह ब्लैक होल बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने जुपिटर ग्रह को इतना ज़्यादा सिकोड़ दें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वह एक हाथ की बॉल जितना या इससे भी छोटा हो जाएगा, तो स्वतः ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह तो बात हो गई ब्लैक होल की उत्पत्ति के बारे में, परंतु ब्लैक होल की सबसे पहले कल्पना जॉन मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने 1783 ईस्वी में की थी। इसके बाद आइंस्टीन ने भी 1916 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत में ब्लैक होल के अस्तित्व की बात कही थी, परंतु तब तक इसका नाम ब्लैक होल नहीं था। इसका नाम ब्लैक होल सन 1967 में वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने दिया था। दोस्तों, ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने चार प्रकार की श्रेणियों में बांटा है। नंबर एक स्टेलर, हिंदी में कहें तो तारकीय। दूसरा इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्तीय। तीसरा सुपरमैसिव और चौथा मिनिएचर, यानी कि लघु। दोस्तों, इससे आगे की बातों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको ब्लैक होल के कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि क्या ब्लैक होल मरते भी हैं और नहीं। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।